आप क्या सोचते थे कि मैं मंदिर में जाऊं, दर्शन करूं, पूजा करूं, ज्योति जलाऊं, पाठ करूं? क्योंकि ऐसा करने से मुझे लाभ होगा। मैं भी जब छोटा बच्चा था, दादी को मैं जब ये रामायण भागवत कथा सुनाया करता था, तो मेरे अंदर भी ये संस्कार डेवलप हुआ कि मुझे रोज आना, पूजा करना है, पाठ करना है, कीर्तन करना है, माला जाप करना है, स्कूल जाना है तो बड़े बड़े टिक्के लगाकर जाना है, चोटी के साथ जाना है। जाता मैं समझता था मेरे से बड़ा भगत कौन होगा जो सवेरे उठकर भगवान जी को पंचा अमृत से स्नान कराए, फिर उनकी आरती करे, पाठ करे, जाप करे, फिर जाकर के पानी पिए, खाना खाए। जब तक ये सारे काम नहीं कर लिए तब तक दूसरा कोई काम नहीं करना, ये मेरा डेली रूटीन है। अब तक तो मैं इसको समझता था द बेस्ट है, क्योंकि मुझे पेरेंट्स से, गुरु से, सबसे यही मिला कि ये काम आपको करने। अच्छा, आप अपने टाइम में ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब 12वीं क्लास में आया, ये मैं करता था क्योंकि मुझे जो बताया गया बच्चा था। अब मैं जब यहाँ इंटर में आया तो वहां मुझे एक पोएम जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाई गई, और मुझे वो पोएम जो एक्सप्लेन करने वाला प्रोफेसर था, उसने उसके अंदर ऐड करके बताया कि परमात्मा को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, परमात्मा के पास तो फरिश्ते हैं, वो उसे अपना काम कराता है, उसे किसी से कोई सेवा की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैंने तुम्हें एक कोई गुण दिया है, हर एक को, हर एक आत्मा को कोई ना कोई गुण दिया है, उस गुण को आप यूज करो। यदि आप गुण को यूज नहीं करेंगे तो परमात्मा आपको डांटेगा। वो मुझे बात इतनी अच्छी लगी कि परमात्मा को हमारी सेवा की जरूरत ही नहीं है, और मैं ऐसी मूर्ति को नहलाए जा रहा हूँ, धुलाए जा रहा हूँ, भोग लगाए जा रहा हूँ, जाप किए जा रहा हूँ, खाए जा। मैंने उस लेक्चर को सुनने के बाद चोटी कटवा दी, ये मेरा अपना अनुभव, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। जब तक वो समझ में आया था मैं वो कर रहा था, जब मुझे ये समझ में आ गया कि परमात्मा को हमारी सेवा की जरूरत ही नहीं है, मैं एमए किए जा रहा हूं। मतलब हर एक को परमात्मा ने गुण दिए उसको आप यूज करो, दैट इज अदर टॉपिक। और यहां हमें देखना है कि मुझे मेरी सेवा की परमात्मा को जरूरत नहीं और मैं कर रहा हूँ, ये बेस्ट है। बट भैया वो तो हम अपनी मन की शांति के लिए करते हैं, भगवान के लिए तो हम कुछ नहीं करते, उसको तो कुछ नहीं चाहिए। आप समझे नहीं, मेरी सेवा की उसको जरूरत नहीं है और मैं एमए किए जा रहा हूँ, ये मेरी को समझ में आया ना, आपको समझ में नहीं आया ना, आपको तो समझना है। मेरे को समझ में आया कि मुझे नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि मेरी सेवा की परमात्मा को जरूरत नहीं है, परमात्मा को जरूरत नहीं है कि मेरे आगे मत्था टेके, परमात्मा को जरूरत नहीं है कि मेरे को नहलाए, परमात्मा को जरूरत नहीं है कि कोई कथा मेरे लिए पढ़े, परमात्मा को जरूरत नहीं है, फिर जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं कथा पढ़ रहा हूं उससे मुझे क्या फायदा होना है, ठीक है। जितनी भी दुनिया की कथाएं हैं, व्रत की जितनी भी कथाएं हैं, उन सब कथाओं के अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्राह्मण को फायदा है और किसी को फायदा नहीं है। ब्राह्मण हाँ, उसको कपड़े भी दो, पैसे भी दो, दक्षिणा भी दो, भोजन भी खिलाओ, ये सारी कहानियां हम ब्राह्मणों ने बनाई केवल अपने फायदे के लिए और दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए। जितनी कोई कथा ले लो, कोई कथा ले लो,
उसने किया उसको फायदा हुआ, उसने किया उसको नुकसान हुआ, उसने फिर किया उसको फायदा हुआ, यही कहानी है। पात्र चेंज हो सकते हैं, अभिव्यक्ति करने का तरीका चेंज हो सकता है, सारी कथाएं यही है, चाहे वो कोई कथा हो, ये ट्रेंड है। ये सिर्फ हम पंडितों ने बेड़ा गर्क किया। जब आपको ये बात समझ में आएगी तभी तो आप वेस्ट को छोड़ेंगे ना। तो ये क्या सुपर वेस्ट सोर्स है, मतलब आपने एक बार दर्शन कर लिए और आप उसके बाद कहीं जाने लगे। अंधविश्वास, एकदम अंधविश्वास है जी। मंदिर में जाना, आप मेन मोटी सी बात आप समझ के देखो कि जो मूर्ति रखी है वो राम की है। मान लो अब राम का है, राम की मूर्ति है ना, जो राम कर सकता है क्या राम की मूर्ति कर सकती है? कृष्ण की मूर्ति है ना, गणेश की मूर्ति है ना। अब आप ये देखिए, दो बातों से आपको समझ में आएगा। आप एक भगत अपने गुरु जी की पूजा कर रहे हैं, गुरु जी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी राम जी की पूजा कर रहे हैं, राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, चेन है। तुम सीधा शिव के पास जाओ ना, परमात्मा के पास जाओ ना। चैन बनाने की जरूरत क्या है? एक भगत गुरु जी की पूजा कर रहा है, गुरु जी गणेश की पूजा कर रहा है, गणेश शिवलिंग की पूजा कर रहा है, कार्तिकेय शिवलिंग की पूजा कर रहा है, सारे शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं ना। वो जानो ना कि वो कौन है। और जिसको ये जब समझ में आ जाएगा कि वो हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है, तो मैं उस परमात्मा को याद करूंगा। मुझे इनको याद करने का क्या फायदा है? त्रिमूर्ति शिव भगवान का ज्ञान जो जितना मुझे समझ में आ रहा है आपको दे रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें या मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। धन्यवाद।